दोनों में तेल होगा नरादा ना चुना, देश में उनकी हैसियत कितनी बची, आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्षेत्र छोड़ छोड़ के भाग रहा है, पहले अमेठी छोड़ के भाग गया, अब वायनाड छोड़ के भाग गया, अब रायबरेली छोड़ने की तैयारी है। फरीदाबाद संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जीत के हैट्रिक लगाने को लेकर इन दोनों धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने कुसलीपुर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां गुर्जर ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को जिताने की अपील की। कार्यक्रम से इतर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर चुटकी लेते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलवल आए थे, उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों की 6000 पेंशन, सिलेंडर 500 रुपए, इस तरह के उन्होंने ये कहा था कि सांसद बना दो कांग्रेस का, हरियाणा सरकार में बना दूंगा, लेकिन नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, देश में उनकी हैसियत कितनी बची, आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही, आधी में भी सिर्फ उनकी हैसियत इतनी है, इस कोशिश में पहले से 2-4 सीटें भारत को मिल जाए, वो भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी की हैसियत ही देश में आधी रह गई तो वो कहाँ से, और देश अब मिली जुली सरकारों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहता, लंबे समय तक इस देश ने अस्थिर सरकारों का, मिली जुली सरकारों का खामियाजा भुगतना, इस देश ने बल बना लिया कि उसको चाहिए स्थिर मजबूत सरकार, पर मजबूत नेतृत्व जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार है, और किसी की हैसियत बची नहीं। वहीं 22 मई को राहुल गांधी की होने जा रही रैली पर तंज कसते हुए गुर्जर ने कहा कि उन्होंने पहले अमेठी छोड़ी, फिर वायनाड छोड़ा और अब रायबरेली छोड़ने की तैयारी है। राहुल गांधी के दौरे रहेंगे अब हरियाणा में, किस तरह चुनाव कुछ छोड़ के भाग रहा है, पहले अमेठी छोड़ के भाग गया, अब वायनाड छोड़ के भाग गया, अब रायबरेली छोड़ने की तैयारी। बता दें कि कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 बार से बड़े अंतर से फरीदाबाद सीट से जीतकर संसद पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या वो तीसरी बार भी ये कमाल दिखाने में कामयाब होते हैं, उन्हें मिल रहा समर्थन वोटों में कितना तब्दील होता है, ये 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।